मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चंडीगढ़ में बैक टू बैक बैठकों का दौर लगातार जारी है। थोड़ी देर में लोकसभा कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक होगी। सुबह चार जिलों के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है पहले ही चर्चा। कल रात को भी दिग्गजों के साथ मंथन हुआ था और इन तमाम मुलाकातों को, इन सभी मीटिंगों और बैठकों को 2024 के संदर्भ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें तमाम चीजों को लेकर बातचीत हो रही है, सभी समीकरणों को साधने का प्रयास हो रहा है। योजनाओं से लेकर प्रदेश में चल रहे गठबंधन का जिक्र हो या फिर किस तरह से चुनाव लड़ा जाए, चाहे गारंटी का जिक्र हो, केंद्र की योजनाएं हो, प्रदेश की योजनाएं हो, तमाम चीजों को समझने परखने का यहां पर बैक टू बैक बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज बैक टू बैक बैठकें मिशन 2024 के संदर्भ में दिखाई दे रही हैं। कल भी दरअसल एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए थे और माना जा रहा है कि तमाम जो कवायदे हैं और ये बैठकें जो हो रही हैं, ये आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए की जा रही हैं। ऐसे में क्या सवाल बड़ा ये भी लगातार सुर्खियों में है कि क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रदेश में एक साथ हो सकते हैं। बहरहाल ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि थोड़ी देर में कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 के चुनावों में और एक बार फिर उसी नतीजे को रिपीट करने के लिए 2024 में पार्टी की ओर से अपनी मजबूती शुरू कर दी गई है। पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम जो काम है वो दरअसल बीजेपी कर रही है। कल प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंथन हुआ था और इसमें भी कई चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की गई थी और आज भी कई बैठकें दरअसल आज भी हो रही हैं। कुछ हो चुकी हैं, कुछ अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी जिसमें लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ मंथन किया जाएगा और थोड़ी देर में दरअसल ये बैठक की शुरुआत होगी। संगठन और विकास में योगदान पर चर्चा, साथ ही साथ सुबह की बैठक की बात करें तो उसमें भी कई चीजों को लेकर मंथन किया गया था। जिलावार नेताओं के साथ मंथन मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं, लोकसभा क्षेत्र के अनुसार भी बैठकें पहले हुई हैं और अब जो लोकसभा के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मंथन होगा आपसे कुछ ही देर बाद। और क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है, किस प्रकार से ग्राउंड पर चीजें चल रही हैं, इन तमाम चीजों को समझने का प्रयास कहीं ना कहीं एक तरह से किया जा रहा है और ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आगामी फैसले होंगे। और हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, काफी महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा के चुनाव, इन तमाम चीजों को देखकर जो वर्तमान में बैठकें हो रही हैं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा में बीजेपी जो है मिशन 2024 में पूरी तरह से जुटी हुई है और लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। आज दो बड़ी बैठकें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। सबसे पहले सुबह 9 बजे आज एक बैठक हुई थी जिसमें चार जिलों के बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी है, उनको जो है वो बैठक के लिए बुलाया गया था। उसके बाद अभी आज थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ बैठक शुरू की है और ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पर जो संत कबीर कुटीर आवास है वहां पर इस वक्त की बैठक लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ बैठक शुरू की है और ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ आवास पर जो संत कबीर कुटीर आवास है वहां पर इस वक्त इस तरह से तेजी आ गई है या यूं कहें और ज्यादा सक्रियता जो है वो बढ़ गई है और मुख्यमंत्री जो है वो लगातार बैठक ले रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जो लोकसभा के कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक कर रहे हैं उसमें ये उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि लोकसभा स्तर पर सरकार की योजनाएं घोषणाएं जो है उनकी क्या स्थिति है, लोगों में क्या फीडबैक है और बेहतर किस तरीके से काम लोकसभा के चुनाव से पहले किया जा सकता है क्योंकि उम्मीद यही है कि लोकसभा के चुनाव समय पर होते हैं तो मार्च के आखिरी सप्ताह तक जो है वो देश में आदर्श आचार संहिता लागू होनी है
तो ऐसे में करीब 3.5 महीने का वक्त जो है उसमें तमाम योजनाओं पर काम पूरा कर लिया जाए, चुनाव में जाने से पहले तमाम जो योजना है उन्हें पूरी कर ली जाए, किस तरीके की जो फीडबैक है उसके लिए मुख्यमंत्री सबसे बैठक कर रहे हैं। पवन, एक और जो बहुत बड़ा सवाल और सुर्खियां जो इस वक्त बटोर रहा है वो ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों को भी साथ में करने के नजरिए से भी बैठक का ये तमाम कवायद हो रही है? क्या माना जा रहा है कि 7 चुनाव हो सकते हैं और क्या उसके संदर्भ में भी ये पूरी कवायद? बिल्कुल निश्चित तौर पर इसके ऊपर भी पार्टी ने मंथन करना शुरू किया है, सरकार और संगठन दोनों मिलकर जो है वो इसके ऊपर रणनीति जो है वो बना रहे हैं कि 2024 में अप्रैल मई में देश में लोकसभा का चुनाव है, उसमें हरियाणा की 10 सीटों पर चुनाव होना है, लिहाजा उसके 6 महीने बाद तय समय पर चुनाव हर विधानसभा का होता है, तो करीब 6 महीने बाद हरियाणा को विधानसभा के चुनाव में जाना है। ऐसे में क्या देश की लोकसभा के चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा का चुनाव करवाया जा सकता है, इसको लेकर भी पार्टी मंथन कर रही है, सरकार और संगठन मिलकर इसके ऊपर चर्चा कर रही है। थोड़े दिन पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता टीवी से खास बातचीत की थी, उनका ये कहना था कि अगर भारत का चुनाव आयोग ये फैसला लेता है कि हरियाणा में चुनाव विधानसभा के लोकसभा के साथ ही होंगे तो हरियाणा में भाजपा पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, उनके कार्यकर्ता जो है वो लगातार फील्ड में है और पूरी तरह से हमारी तैयारी है, ये उनका दावा था। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं एक गुंगाहट एक चर्चा शुरू हुई है, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव जो वो लोकसभा के साथ ही हो इसको लेकर पार्टी ने अपना होमवर्क शुरू किया है, बहरहाल देखने नहीं होगा आने वाले दिनों में उसको लेकर क्या अंतिम जो वो टाइम किस तरीके का प्रशिक्षण बनता है, लेकिन एक तरह से चर्चाएं इस वक्त 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी के पक्ष में जिस तरीके से आए हैं उसके बाद हरियाणा में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव की चर्चाएं जरूर शुरू हुई है। पवन, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल इस खबर पर, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और अब गठबंधन को लेकर प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, माना जा रहा है जो कल बैठक हुई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी जिसमें प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तमाम बड़े नेता बैठे थे, गठबंधन को लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं उन्होंने हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो बढ़ा है और हरियाणा में जो गठबंधन में सरकार चल रही है बीजेपी और जेजेपी की उसमें जो गठबंधन है हरियाणा में उसके ऊपर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राजस्थान में कई सीटों पर जनता जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा लेकिन उनकी बहुत ज्यादा खराब स्थिति राजस्थान के चुनावी नतीजों में रही है, इसके बाद एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी के अंदर जो वो आवाज उठी है कि गठबंधन की जरूरत हरियाणा में भाजपा को नहीं है, हालांकि बड़े नेताओं का ये कहना है कि हमने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था, ये चुनाव के बाद का गठबंधन है और सरकार इस वक्त गठबंधन के साथ चल रही है, लेकिन 2024 के चुनाव में गठबंधन के साथ जाएंगे या गठबंधन के बिना चुनाव में जाएंगे इसका फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, ये बात जो वो हरियाणा भाजपा के बड़े नेताओं के बीच में लगातार हो रही है, ये बात बयानबाजी लगातार सामने आ रही है, कुछ देर पहले जनता टीवी के कंवरपाल गुर्जर भी यही बोले हैं कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन होगा या नहीं होगा ये आने वाले वक्त में पार्टी का हाईकमान जो है वो तय करेगा, पार्टी का हाईकमान का जो फैसला होगा वो जो राज्य की पार्टी की जो इकाई है उसको मान्य होगा, तो ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं अब गठबंधन को लेकर जो है वो कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई है और देखना यही है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की जो राहें हैं वो आगे किस तरीके से बढ़ती है, कैसे आगे एक साथ जो वो राहें नजर आती है या फिर रास्ते अलग अलग होते हैं ये आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं 3 राज्यों के नतीजों के बाद जो राजस्थान में जेजेपी जिन सीटों पर लड़ी उनमें उनका जो प्रदर्शन है उसके बाद पंचायत राजनीतिक गलियारों में जरूर शुरू हुई है। जी। अपवन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बैक टू बैक बैठकों के माध्यम से सुर्खियां बहुत ज्यादा बन गई, किस तरह से मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों को लेकर कर रही है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसमें तमाम चीजों को लेकर तमाम मोर्चों को लेकर मंथन बीजेपी के अंदर किया जा रहा है।